बारिश ने दिल्ली में 71 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फरवरी महीने में मॉनसून जैसी बरसात ने मौसम वैज्ञानिकों को परेशान कर रखा है। पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ दिन दिल्ली पर भारी रहने वाले हैं। बारिश की बूंदों ने देश की राजधानी को बेमौसम भिगो दिया। पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर दिल्ली में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 71 साल बाद फरवरी महीने में इतनी ज्यादा बारिश दर्ज की गई। फरवरी में 71 ईयर्स के बाद अच्छा बारिश हुआ, ऑलरेडी हम बोल रखे हैं वैसे ही है, लेकिन जो अब 3-4 दिन में जो रेनफॉल एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी मतलब एरिया ज्यादा कवर किया। फरवरी महीने में मॉनसून जैसी बारिश से दिल्ली में सर्दी लौट आई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक इंद्र देवता का कहर जारी रहेगा। आने वाले कई दिन दिल्ली पर भारी पड़ेंगे। 18, 19, 20 ये तीनों दिन में 1-2-3 डिग्री कम होगा, उसके वजह से थोड़ा सर्दी आपको ज्यादा फील होगा। वो साथ साथ तो आपको है लाइट टू मॉडरेट फॉग का भी चांसेस है कल, मतलब 18, 19, 20 को। दिल्ली वालों के लिए ये बारिश बड़ी मुसीबत लेकर आई है। बारिश, सर्दी और कोहरे की तेहरी मार दिल्ली पर पड़ेगी, यानी एक बार फिर सर्दी के साथ कोहरा कोहराम मचाएगा। देखिए अभी तो चल रहा है रेनफॉल एक्टिविटी, तो नॉर्थ इंडिया पूरा हो रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा है रात तक चलेगा, मतलब कल मॉर्निंग तक क्लियर होने का उम्मीद है। मौसम की मनमानी से राजधानी में कई लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा मार मुसाफिरों पर पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में भले ही कोहरा ना हो, लेकिन पड़ोसी राज्य में घने कोहरे के चलते राजधानी पहुंचने वाली ट्रेन पर असर बना हुआ है। राजधानी से पहुंचने वाली और यहां से चलने वाली कम से कम 20 ट्रेन ऐसी हैं जो कि अपने तय समय से लेट चल रही है, जिनमें मुख्यतः GD एक्सप्रेस जो कि चेन्नई से चलती है 6.5 घंटे लेट है, पूर्वा एक्सप्रेस जो हावड़ा से चलती हावड़ा से दिल्ली की तरफ आती है 4 घंटे लेट है, जबकि पटना से चलने वाली संपूर्ण क्रांति 3.25 घंटे लेट है। इसके अलावा नई दिल्ली से जबलपुर चलने वाली श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस 5.5 घंटे लेट है, जबकि भागलपुर से दिल्ली की तरफ आने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस 3.5 घंटे लेट है। गरजते बरसते बादल दिल्ली वालों को डरा रहे हैं। पहले जनवरी में जमा देने वाली सर्दी के साथ आफत के ओले और अब फरवरी में बेमौसम भारी बरसात के साथ सर्दी की वापसी। बिहार में पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम ने एक बार दोबारा से करवट बदल ली है। हवा में जो है वो ठंडक है और साथ ही साथ नमी भी बरकरार है। अगर दिल्ली में बारिश जारी रही तो तापमान गोता लगा सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 21 फरवरी के बाद ही मौसम के सामान्य होने की उम्मीद है। दिल्ली पर मंडरा रहे संकट के बादल अभी कितना कहर बर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।